हेलो एवरीवन आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एन द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एन वर्कबुक क्लास फोर ई का चैप्टर ट्वेंटी ईटिंग टुगेदर तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास ओसवाल का एन वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जा इसे खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्वेंटी है ईटिंग टुगेदर ठीक है लेट्स रिवाइज पहले हम चैप्टर रिवाइज करेंगे ठीक है पीपल ईट टूगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स मैरिजेज एंड अदर सेलिब्रेशंस तो लोग जो है ना एक दूसरे के साथ खाते हैं यानि कि साथ साथ खाते हैं किस किस चीज़ के दौरान कोई फेस्टिवल होता है या किसी मैरिज में या कोई सेलिब्रेशन होता है तभी लोग साथ, -साथ बैठ के खाते हैं ठीक है फेस्टिवल्स आर टू टाइप्स नेशनल एंड रिलीजियस ठीक है फेस्टिवल टू टाइप्स के होते हैं एक, एक तो होता है नेशनल फेस्टिवल और दूसरा होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स ठीक है ए क्लास पार्टी इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट चिल्ड्रेन टू इट टुगेदर। एक क्लास पार्टी जो किया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों को साथ लाने के लिए ठीक है साथ साथ खाना खिलाने के लिए बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम बिहू जो है ना वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है आसाम का इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द न्यू राइस क्रॉप हैड बिन हार्वेस्टेड और ये सेलिब्रेट किया जाता है जब नया जो है ना जब न्यू राइस क्रॉप होता है यानी कि जब आ, फसल कटता है राइस का जो होता है ना राइस कटता है तो ये वाला जो फेस्टिवल होता है बिहू वो मनाया जाता है उरुका इज द इवनिंग बिफोर बिहू इन विच द होल विलेज विल ईट टुदर तो देखिए इवनिंग आ, से पहले जो है ना उडुका होता है आ, जो पूरा गांव मिलके के फेस्टिवल होता है ना उसमें आ, सभी लोग एक साथ खाते हैं उडुका को ठीक है बोरा एंड आ, चीवा आर द कॉमन वराइटीज़ ऑफ़ राइस यूज इन आसाम तो बोरा एंड चिवा जो होता है ना चिवा तो ये दोनों एक कॉमन वराइटीज़ हुआ जो कि राइस राइस का ही वराइटी हुआ जो कि आसाम में खाया जाता है यूज़ किया जाता है दीज आर स्टिकी राइस और ये होता है स्टिकी राइस यानी कि चिपचिपा राइस होता है इन द फेस्टिवल ऑफ बीहू पीपल मेक पीठा रोस्ट स्वीट पोटेटोज एंड सर्व द टी विथ पीठा इन द इवनिंग ठीक है तो बिहू फेस्ट, फेस्टिवल में क्या होता है तो लोग जो है ना पीठा बनाते हैं ठीक है और रोस्ट करते हैं स्वीट पोटेटोज को और सर्व करते हैं ठीक है इवनिंग में विलेजर्स विल लाइट अ फायर एंड बॉइल द वॉटर इन द बिग टाव ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस एंड कवर इट विथ बनाना लीप्स तो बनाना लिप्स को ढक के कवर करके बड़ा सा कढ़ाई होता है उसमें जो है न चावल को शोक किया जाता है और इस तरह से बनाया जाता है ठीक है आफ्टर सम टाइम द चीवा राइस विल भी कुकड एंड रेडी टू इट और चीवा राइस जो है ना वो बन के तैयार हो जाता है दुमेन यूज़ टू वियर पैट एंड मुगा मखाला चादर ठीक है तो उमेन जो होती है ना जो वहाँ की औरतें होती है वो पार्ट एंड मुगा मेखाला चादौड़ होता है ठीक है वहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस हुआ तो ये पहनती है उसमें ठीक है एवरी वन सिंग अ डांस इन द फेस्टिवल टिल दे फील टायर्ड जब लोग थक जाते हैं तो ये जो है ना फेस्टिवल डांस करते हैं गाना गाते हैं ठीक है द वेलाघ सेट अलाइट पीपल डांस अराउंड इट और वेलाघर के चारों ओर जो है न लोग डांस करते हैं देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रॉ टू इट द फूड वॉज सर्व ऑन बनाना लिप्स सभी जो है ना नीचे बैठ जाते हैं एक रॉ में खाना खाने के लिए और बनाना लिप्स के ऊपर खाना सर्व किया जाता है नवा डे मैनी स्कूल्स गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डे बहुत सारे स्कूलों में आजकल जो है ना खाना दिया जाता है इट इज़ कॉल्ड मिड डे मील और इसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं सम ईयर्स एगो द हाइस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गेव एन इम्पोर्टेंट डिसीज़न ठीक है तो बहुत सालों पहले जो है ना जो है हाइस्ट कोर्ट ने ये आ, जो है डिसीज़न लिया था ऑल चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुकड फूड जितने भी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें आ, कुक यानी खाना प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड और ये हर चिल्ड्रन हर बच्चों का अधिकार है ठीक है लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स पीपल लिविंग इन श्रीलंका थाईलैंड बर्मा एंड नेपाल सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर इन मिड अप्रैल अराउंड द सेम टाइम एज बैसाखी तो बैसाखी का जो सेम टाइम होता है ठीक है मिड अप्रैल जो होता है ठीक है यानी कि अप्रैल के बीच में तो ये सारे जो है ना सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर ठीक है ये सारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है लेट्स थिंक अबाउट इट वॉट इज द पर्पज बिहाइंड मिड डे मील द मिड डे मील स्कीम इज अ स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिज़ाइन टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव द नेशनल स्टेटस ऑफ स्कूल इज चिल्ड्रेन नेशनल वाइड द मिड डे मील स्कीम इज कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ठीक है तो ये टू थाउजेंड थर्टीन में ये एक्ट बनाया गया था ठीक है तो इसमें सभी बच्चों को uh, जो है ना खाना दिया जाता है ग्लॉसरी मिड डे मील ए मील इटन इन द मिडिल ऑफ़ द डे एक ऐसा मील जो कि मिडिल ऑफ द डे यानी कि दिन के बीच यानि मध्य में uh, खाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल ए सेलिब्रेशन ऑफ द एनुअल हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप ठीक है ये फेस्टिवल है ठीक है सेलिब्रेशन ऑफ द एनुअल हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप जब फसल करता है तब ये सेलिब्रेशन किया जाता है फेस्टिवल मनाया जाता है ठीक है नेशनल फेस्टिवल ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय होल नेशन टुगेदर सभी लोग साथ साथ मिलके इसे सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो ये तो था आपका समरी सम, जो कम्प्लीट हो चुका है उसके बाद है माइंड मैप ठीक है ये बुक में दिया हुआ है पिक्चर उसके बाद है वर्कशीट सिक्सटी सिक्स राइट इन योर नोटबुक ठीक है डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स क्या आप दूसरों के साथ खाना पसंद करते हैं तो यस आई लाइक टू ईट विथ अदर्स अगर आपको नहीं पसंद है तो नो लिखिए On what occasions do you eat together with your friends during functions festivals and lunch break in our school I eat together with my friends Have you ever had a party in your class when what all did you do to arrange a party Yes we had many parties in our class and uh, one was held on public, uh, republic day we arrange a cook what did you and your classmate bring to the party we bought flags balloons sparkle powder etc to the party what all did you eat we ate we ate snacks at first then carried on with our lunch for snacks we had parties and cakes and uh, for lunch we had dal pulao sabzi puri and sweets who were the party? Who were the people you invited for your party? Families of all the teachers and uh, parents of students were the people invited to the party. Where there are some people who work in your school whom you could not invite. Who were these people? No, all the people who work in my school were invited to the party. Did you, uh, did you wear any special dress for the party? Yes, we wore party dresses for the function. What are the things that you can do to make the party greater fun for everyone? We can advance a lot of activities such as uh, playing music, dancing, and eating delicious food, etc. Ticket? where is the festival of bihu celebrated bihu is the festival celebrated in assam which are the festival you celebrate together with other families the pawali holi eid and dasara etc are some of the festivals we celebrate together with other families does everyone cook and eat together on such festivals what are some of the special dishes that are cooked how are they cooked no, everyone does not cook and eat together, but most of them celebrate festivals together. Pua is cooked by frying maida in oil, whereas sevai is cooked by boiling it in sugar and milk. Are some special vessels used for cooking uh, these items? What are they? A special vessel uh, like kadhai. Made up of iron is used for cooking dishes like pua and sevai is cooked in pans. Which is the biggest vessel that is used? Can you draw a picture of it? Can you guess how many people can eat the food that is cooked in it at one time? A big kadai is the biggest vessel that is used to prepare vegetables. Yes, more than 100 people. Can eat the food that is cooked in it at one time. a picture banana Find out and do. Can you guess how many people must have eaten together in the village feast? More than 1000 people must have eaten together in the village feast. Have you ever seen the bihu dance? Did you like it? Yes, I have seen the Bihu dance on television and I like it. Find out from the students in your class the festivals that they celebrate and the special food they, that they eat on these days. Who cooked the special food for festivals? The Pavali, Bakrid, Holi, Eid. Do you wear clothes of some special colours on some festivals? Make a picture of these other uh, these cloths in your notebook. Yes. We wear cloths of some special colors on some festivals. So, iska jo hai na, apne notebook mein picture bhi banayenge. Thikhe, draw karenge. Are there special songs that are sung at different festivals in your place? Yes, there are special songs that are sung at different festivals in our place. Worksheet 67. Write about the food given in your school. What time is the meal served? Uh, the meal is served during the lunch hour at 1.30 p.m what do you get in the meal at school i get boiled egg bread vegetables dal and rice in the meal at school we get different types of food daily do you like the midday meal that you get yes i like the midday meal that we get is the food that you get enough for you Yes, the food given is enough for me. Do you bring your own plate or do you get in it in school? We bring our own plates to school to school every day. Who serve the food? The food is served by the peon. Do your uh, do your teachers eat with you? Yes, our teachers eat with us. Is the week's menu put up? On the school board yes the Wix menu is put up on the school board what will you get on Wednesday and Friday we get dal boiled egg and rice on Wednesday and roti dal and vegetables on Friday okay if you got a chance to change the menu for the meal in your school what would you like to change what would you like to eat मेक योर आउन मेनू ठीक है तो ये जो है ना आपको बनाना है कि अगर आप जैसे कि स्कूल में अगर कुछ आप मंडे वर्नजडे फ्राइडे को मिलता है कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई आइटम तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे ठीक है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फूड आइटम लिखेंगे आई वुड लाइक टू चेंज द मेनू एज़ फॉलो ठीक है इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट वाई

कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा वो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो